हाँ जी, लेट अस रिवाइज बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स मेरे पास. सबसे पहले बेटा आप लोगों को डिफरेंट फॉर्मूलेज पता होने चाहिए. सारे फॉर्मूलेज रिकॉल कर रही, प्लीज बेटा पे अटेंशन है. सबसे पहले बेटा एरिया ऑफ सेक्टर याद रखना. सेक्टर मतलब पिज्जा का पीस, पूरे पिज्जा में से एक पीस है ना. तो अगर इसका थीटा पता है, आर पता है, तो एरिया यानी सिर्फ ये. और जो छोटी चीज होती है वो हमेशा माइनर, जो बड़ी चीज होती है हमेशा मेजर. तो एरिया ऑफ, अगर आपने सेक्टर का फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. कुछ नहीं लिखा तो मीन्स माइनर की बात ही कर रहे हैं, मतलब जो जहां थीटा मेंशन यू शेडेड. ओके, अगर आपको ये थीटा पता है तो फॉर्मूला यही बनेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. अब वो थीटा बड़ा वाला होगा तो वो अपने आप मेजर का बन जाता है. लेकिन अगर आपको माइनर का थीटा पता है, आपने मेजर का एरिया निकालना है, तो आप एरिया ऑफ मेजर सीधा कैलकुलेट कर सकते हो. क्या फॉर्मूला सेम है, पाई आर स्क्वायर, बस थीटा चेंज कर लो, 360 माइनस थीटा. ये थीटा अगर माइनर का दिए, अगर सीधा थीटा मेजर का दिए तो नहीं लेना. ओके बेटा, तो नहीं मतलब माइनस करने की जरूरत. अल्टीमेट है एंगल वो निकालना, ठीक है बेटा, बाय 360. मेरे कहने का मतलब अब अल्टीमेटली 360 माइनस थीटा किया, एंगल तो मेजर का ही आया ना. अगर सीधा मेजर का दिया और मेजर का ही पूछा है तो फिर ये 360 माइनस थीटा नहीं करना. अल्टीमेटली एंगल मैंने मेजर का लगाया है. ओके, अच्छा कई बार ऐसे भी हो सकता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर माइनस कर, क्योंकि कई बार आपसे पूछ सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर, तो उसी को टिक करोगे. समझ आई पहला कॉन्सेप्ट, मैंने सारी तरह से बता दिया. मतलब फिगर को दिमाग में लेके आओ. अगर मेजर निकालना है, थीटा तुम्हें ये चाहिए, तो 360 माइनस थीटा अगर दिया ही मेजर का है तो फिर पाई आर स्क्वायर थीटा वही वाला लगेगा जो मेजर का एंगल होता है. समझ आ गई बेटा, क्लियर. अब मेरे पास हो गए नेक्स्ट. अगर मैंने ये बताना है सेगमेंट का, सेगमेंट मेरे पास जो है, सेगमेंट मतलब क्या, कोई चीज पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ऐसे कॉर्ड के साथ. हम कह रहे हैं इस चीज का सेगमेंट कर दो, डिवाइड कर दो. पूरे सर्कल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ये वाला एक ये वाला. दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट. ठीक है, सेगमेंट हमेशा कॉर्ड के साथ, ऑलवेज विद कॉर्ड. ओके, नाउ ये सेंटर है, ये रेडियस है. मैंने ये निकालना, तुम्हें पता है दो, ये पिज्जा का पीस था ना पूरा, ऐसे ही होता है ना पिज्जा का पीस. पिज्जा के पीस में से ट्रायंगल ऊपर सीजर से ऐसे काट दी, अब वो जो नीचे पीस बचा वो ऐसे ही बचता है ना, छोटा सा, ना सर्कल सेमी सर्कल होता है ना कंप्लीट सर्कल होता है. ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? जब काटते हो सीजर से, छोटा भाई कहे कि दे दे मुझे, तो तुम ब्रेक करते हो ना. एंड दिस इज सेगमेंट, जो ऊपर का ट्रायंगल का पीस निकाल के तुमने उसको दे दिया, उससे बाकी बचा हुआ सेगमेंट. सेगमेंट हमेशा कॉर्ड और सर्कल की बाउंड्री के साथ होता है, ऑलवेज कॉर्ड और सर्कल की. मतलब ये कुछ नहीं, ये इतना सेगमेंट बना, अगर सेगमेंट ये देखो. समझ आई मेरी बात? सेंटर से मैंने कुछ नहीं ली, ये सेगमेंट है. सेगमेंट का फॉर्मूला सीधा मैं बच्चों को कहती हूँ. सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यानी ये सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस कर दू. मैंने तो आपको, क्योंकि एमसीक्यू टाइप है बेटा, मैंने डायरेक्टली बोला है माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, सीधा यही लगाओ. अगर आप चाहे राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ भी है, एंगल 90 का दे दिया तो साइन 91 होगा, 1/2 आर स्क्वायर हो जाएगा, टेंशन क्यों लेनी. और 120 वाले तो है ही नहीं अब, वो तो डिलीटेड है सिलेबस में, तो सीधा आंसर आ जाना, कोई टेंशन नहीं, वो इतना लंबा मेथड करने की जरूरत ही नहीं, सीधा करो. ये सेक्टर में से ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला. ये कौन सी ट्रायंगल है? नॉर्मली हर ट्रायंगल में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते. ये ट्रायंगल कैसी है? जो सेंटर में बनती है विद टू रेडियस एंड कॉर्ड. देखो
दो रेडियस और एक कॉर्ड के साथ, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। ये देखो मान लो ये सर्कल है, ये ट्रायंगल बनी, कोई भी ट्रायंगल, इसमें नहीं अप्लाई कर सकते, इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। वेट बेटा, हाँ जी बेटा, तो मेरे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बात समझ आ गई बेटा? ये कब लगेगा मेरे पास जो है, जब आपको इसके लिए आर भी पता होना चाहिए और थीटा। मैं बार बार कह रही हूँ, ये फॉर्मूला तब लगता है ट्रायंगल का जब ट्रायंगल सेंटर में होती है। वेट बेटा, हाँ जी बेटा, तो यहाँ पर जो है पाई आर्स के थीटा बाय 360 माइनस 1/2 आर्स के साइन थीटा, मैं बार बार कह रही हूँ ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला बेटा तभी लगता है जब क्या हो हमारे पास, ट्रायंगल किससे बनी हो, दो रेडियस और एक कॉर्ड, और वो रेडियस सेंटर में कोई एंगल बना रहा है थीटा, तब भी, अदरवाइज मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बार बार बता रही हूँ ये ट्रायंगल है, यहाँ तो रेडियस आ ही नहीं रहा, ये डायामीटर हो सकता है अगर ये 90 तो इसका तो सीधा ही, अगर ये डायामीटर है, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए हाफ बेस ये और हाइट ये, तो बी इंटू एच लगे, मतलब तो क्वेश्चन को समझो, ठीक है बेटा, क्लियर। और मेरे पास जो नॉर्मली आप गलती करते हो, मिस्टेक पता क्या करते हो, मान लीजिए आपको ये मेरे पास दिया हुआ, सपोज दिस, और मुझे कहा गया है शेडेड एरिया का पेरीमीटर निकालो, क्या करोगे फिर, शेडेड एरिया का पेरीमीटर, बाकी सब कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, साइड दी होगी, मान लो ये 7 दी है, ये जो है 10 दी है साइड, ठीक है, और ये भी 10 दी है, 5 यहाँ 5 ले लीजिए। पेरीमीटर में बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट, 99% पेरीमीटर में कभी माइनस नहीं होता। ये देखो सिंपल, ये बाउंड्री है, ये 5 है, ये भी 5 है, 2 5 एक, ये आ गया 10, ये तो ऊपर वाली बाउंड्री का है, शेडेड में ये भी आ रहा है, ये क्या है, सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का आप क्या करोगे, ऐड नहीं करोगे, करोगे ना, वो क्या होता है पाई आर, यानी पाई आर, आर कितना है 5, काम कर, समझ आई मेरी बात, पेरीमीटर दिया के एरिया दिया है, 99% बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बता, ठीक है, अगर अच्छा इसी का एरिया कहती तो, यस, रेक्टेंगल के एरिया में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस, समझ आई मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब यही क्वेश्चन देखिए मेरे पास हुए, इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, सब इंफॉर्मेशन दी होगी, इसको रहने देते, इसको शेडेड कर लो जी। अब मैं अगर कहूंगी पेरीमीटर बताओ, देन क्या करेंगे, सब कुछ दिया होगा, रेडियस डायमीटर सब कुछ दिया होगा, मेरे को बस ये बता दो बाउंड्री, क्योंकि जब तुम्हें ये पता ना कौन सी चीज आनी है, तो देन यू आर एबल टू कैलकुलेट। हाँ जी महक, ये वाला सेमी सर्कल, बस काम खत्म, ये वाला सेमी सर्कल, ये ऊपर वाला भी लेना है, यस, भूल जाते हो, यानी पाई आर इसका, जो भी आर होगा पाई आर इसका है ना, और इसका भी पाई आर, सबका आर अलग अलग हो सकता है, समझ आ, मान लो आपको ये डायामीटर देते जी, अच्छा जी 7 है, ये डायामीटर देते जी ये 5 है, बड़े का नहीं दिया, कहां से निकालते, दोनों को प्लस करते, 7 + 5 जो है मेरे पास 12, यानी बड़े वाला का डायामीटर 12 हो गया, रेडियस निकाल लो 6, सिंपल सी बात, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ, ओके क्लियर है। अब मेरे पास हो गए, यहां पर अगर हम देखें, लेट अस सी, अच्छा इसी में सच एरिया, एरिया भी कर ले,
एरिया, एरिया बिल्कुल, बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से छोटे वाला सेमी सर्कल माइनस कर देंगे, प्लस ऐड कर देंगे। ये चैप्टर तो बहुत इजी है अगर आप ध्यान से करोगे। और नॉर्मली मुझे लगता है एमसीक्यू टाइप में जब वो क्वेश्चन डालेगा ना, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेगा कि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए, वो पाई कॉमन नहीं देगा। ओके, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो। अच्छा एक ये वाला देखो ध्यान से, इफ दे राइट लाइक दिस, ये एक स्केयर है, ठीक है, ये शेडेड एरिया, ये तो आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्या करें? अगर आप कह रहे हो कि लेफ्ट और राइट स्क्वायर में से मैं लेफ्ट सेमी सर्कल ये माइनस कर दूं, ये सारा माइनस हो जाएगा, है ना, राइट वाला मैंने ये कर दिया, ये सारा माइनस हो गया, मेरे पास तो ये बच्चा पुत्र और ये बच्चा ना। अब देखो इसमें से ये पूरे स्क्वायर में से अगर आप कह रहे हो मैंने ये माइनस किया, ये माइनस हो गए, ये माइनस हुआ है ना, फिर आपने ये भी माइनस कर लिया, जब ये माइनस किया अब जो है इसमें ये दो बार माइनस हो गया, आप उल्टा बोल रहे हो, मैं तब भी नहीं आंसर आने, चारों सेमी सर्कल्स के एरिया को प्लस करके उसमें से स्क्वायर माइनस करना, क्यों? देखो ध्यान से, अगर मैंने पहला सेमी सर्कल लिया था ये सारा आया था, मैं डिफरेंट चौक से आपको शेड वैसे ही बता देती हूँ, है ना, दूसरा सेमी सर्कल माइनस किया ये आया, मैंने वर्टिकल लाइंस बनाई, अब ये वाला माइनस किया, ध्यान से देखना ये माइनस किया नीट, ये सारा हो गया, अब डबल आ गया कुछ एरिया, दो बार एरिया आ गया, कौन कौन सा मेरे पास, ये वाला इधर वाला है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये भी आया दो बार है ना, ये भी आया दो बार, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये 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 सारा क्या बना रहे, स्क्वायर, वो दो दो बार आया था ना, तो उसको एक बार स्क्वायर माइनस कर दें तो कौन सा बचेगा मेरे पास, सिंपल वो फ्लावर्स वाला एरिया। ओके जी, समझ आई मेरी बात, क्लियर? चले अच्छा, फिर जो डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार जैसे ऐसे वाला, ये लीजिए, लेट अस सी, टच नहीं होगा, ये सब कुछ ना कुछ दिया होगा, ये सारा शेडेड है, फाइंड अ शेडेड एरिया, हाँ बिल्कुल, इस सर्कल का, इस सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, तीनों प्लस हो गए, लेकिन ये जो है दो बार आ गए तो दोनों सेक्टर्स का एरिया क्या कर दें, माइनस। अच्छा इसमें अगर मैं कहती शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकाल, शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकाल, ध्यान से शुरू करें, एक साइड से शुरू हो जाना, ये इतना मुझे पता है ना, अब शेडेड रीजन में ये मर्ज हो गया, इसका नहीं लगाऊंगी, ये तो बीच में हट गया ना, यहां तक इतना चाहिए मुझे, पूरे सर्कल का पता होता है, अब क्या करूं, सिर्फ, हाँ जी, आर्म जो है लेंथ ऑफ आर्क माइनस करनी, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पाई आर थीटा बाय 180, ये एंगल पता होगा तुम्हें, 90 है ना, पता है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर की शेप में 90, यानी आप पूरे सर्कमफ्रेंस में से पाई आर में से आपने ये माइनस कर दिया, इतना एरिया आ गया, सिर्फ इतना, पेरीमीटर नॉट एरिया, ऐसे ही इसमें इसका आ जाएगा, अब प्रॉब्लम आ गई स्क्वायर की, है ना, ये 100% रेडियस होगा,
कितनी चीज रेडियस होगी ना, ये सेंटर में ही होगा। फिगर थोड़ी सी ऐसे बनाइए, 100% ये जो चीज है वो कहाँ आएगी, सेंटर में आएगी, ऐसे आएगी ना। तो ये 100% रेडियस होगा, पूरी साइड में से रेडियस माइनस कर दो, ये पार्ट पता चल, है ना। अब ऐसे इधर पूरी साइड में से रेडियस माइनस कर दो, इधर भी पूरी साइड में से रेडियस माइनस कर दो, इधर भी पूरी साइड में से रेडियस। देखा जाए तो फोर साइड में से कितने रेडियस माइनस होने, पता 1 2 3 4, सिंपल सी बात, आराम से सोचोगे वहां समझ आएगी, कोई मुश्किल तो नहीं है ना क्वेश्चन, पता चला। और वन पढ़ना ध्यान से, आदत पड़ी होती है, अरे एरिया का लगा दो फटाफट, जब निकलता नहीं है इतनी कैलकुलेशन करने के बाद तो फिर सिर पकड़ती होगी, मैडम ये क्वेश्चन गलत है, मैडम क्वेश्चन गलत है, ऐसा कुछ। ओके, फिर और कौन सी इसमें टाइप जो इंपॉर्टेंट है, आपको एंगल ही नहीं दिया होता। कैसे, ये ट्रेपीजियम है, उन्होंने कहा कुछ रेडियस लेके ऐसे ये दिया होगा, इनका रेडियस दिया होगा हमारे पास, और मुझे कहा है कि ये वाला शेडेड रीजन, थीटा नहीं दिया, प्रॉब्लम ये आती है मुझे, थीटा नहीं दिया, कॉमन नहीं, थीटा कॉमन आता ही नहीं, आर सेम होती है यहाँ सबकी, रेडियस मान लो 4 4 4, ये 4 लेके, इसमें एक चीज याद रखना, रेडियस हमेशा सेम हो, जब रेडियस सेम है आपको थीटा नहीं दिया, अगर मैं इसको थीटा 1, इसको थीटा 2, इसको थीटा 3, इसको थीटा 4 ले लूं, जब आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, चारों एरियाज को क्या करना है, प्लस करना है, एरिया ऑफ सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा 1/360 पहले का, नेक्स्ट का पाई आर स्क्वायर थीटा 2/360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3/3, आर क्यू सेम है, दैट इज गिवन टू अस, प्लस मेरे पास पाई आर स्क्वायर थीटा 4/360, पाई आर स्क्वायर बाय 360 सब में क्या है कॉमन, अंदर क्या बचेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, अरे आपने किया हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी से, एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 की जगह क्या लिख दोगे, 360, वो अपने आप 360 कट जाएगा और एरिया ऑफ सर्कल ही बन जाएगा। तो जब भी ऐसा आए सीधा ही क्या लगा दो, एरिया ऑफ सर्कल, स्मार्ट, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि 360 से 360 कटना ही है, हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा, समझ आई, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, व्हाट यू हैव टू अप्लाई, सिंपल, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है जी। अब ऐसे ही ट्रायंगल में होता है, जरा देखो, सेम रेडियस से आपको ये काटने हो, एंगल नहीं दिया, आर दे दिया, और ये शेडेड में, यहां 180 क्वाड्रिलेटर में एरिया ऑफ सर्कल बनेगा, यहां सर्कल नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहां एंगल का सम क्या होता है 180। हाँ, यहां क्या कर सकते हो, जब आपने पाई आर स्क्वायर लिया, यहां पर सम 180 आएगा, तो बाय 360, तो ये 100% क्या बन जाएगा, 2, यानी सर्कल का हाफ, बिल्कुल। तो जब भी ट्रायंगल के वो आए तो हमेशा, क्यों, आपको भी पता है कि ट्रायंगल के जब तीनों एंगल्स बनते हैं तो एंगल कितना बनता है, 180, तो 180 तभी बनता जब सेमी सर्कल, आपको ये वो भी कराई हुई ना छोटी क्लासेस में प्रॉपर्टी, ऐसे ही करते थे वो, एंगल चारों निकाल के यहाँ ऐड करते थे, तो सेमी सर्कल ही बनाते, तो सीधा क्या लगाओ, सेमी सर्कल का फॉर्म, बात समझ आई, ये ट्रिक्स ही आपको काम आएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आप ध्यान से करोगे आप खुद रिजल्ट अपने बनाओ, मैं बार बार कह रही हूं, हम उसको एनालाइज करो, पर ये एनालाइज तभी होता है व्हेन यू डू योर सेल्फ। अच्छा, अब आपको ये पता है, अगर जैसे मेरे पास हो गए साइन प्लस कॉज की कोई भी पावर दी है, मान लो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे कुछ दिया है, और इनकी पावर्स पूछी जाए, चाहे ऑड चाहे इवन,
उसका आंसर भी वन ही है। तो ऐसी चीज कुछ याद रखो, तो ताकि आप लोगों मतलब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके रिजल्ट खुद डेवलप कर सकते हो, यू कैन लर्न दैट रिजल्ट्स, ओके, लर्न इट सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू टू लर्न दैट। ठीक है, जैसे अभी मैंने आज बताया एक वो क्वाड्रिलेटर का बताया, जब भी चारों कॉर्नर्स का है एंगल नहीं दिया, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ सर्कल का, और अगर ट्रायंगल है तो सेमी सर्कल का एरिया, पेरीमीटर पूछा हो तो अलग चीज है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एरिया, समझ आ गई बात, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे पास और क्वेश्चन जो होंगे, एक सेकेंड, एक ट्रायंगल के अंदर वन सर्कल इज मेड, नहीं साइड कितनी दी 44, और क्या पूछा गया आपसे, सर क्या पूछा क्या है, अच्छा दोनों चीजें पूछी, हाँ जी पेरीमीटर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सर्कल का पेरीमीटर पूछा, उसके लिए यू नीड मेरे पास तो है सर्कल आर चाहिए ना, सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस ही हो गया ना, है ना, तो यू नीड आर, आर आपको नहीं दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, कैसे, इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला रूट 3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है, आपको पता जब ये इक्विलेटर ट्रायंगल होती है ना ये सारे रेडियस सेम होते हैं, ये सारा परपेंडिकुलर कहने का मतलब सेम होता है, तो एक ट्रायंगल का एरिया थ्राइस कर दे तो इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाते, ठीक है, तो अब मेरे पास जो है 3 times ये ट्रायंगल का एरिया है ना, अब ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस 44, इससे आर हो गया है ना, अब ये कटिंग हो जाएगी, 44 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, ये जब मैं करूंगी तो यहां रूट 3 बच गया, पता चला लक्ष्य, तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/√32, हाँ जी हाँ, सॉरी बिल्कुल, दोबारा कैलकुलेट कर देते हैं, मिस हो गया था स्केयर, तो मेरे पास एक 44, एक 2, एक रूट 3, ओके, तो ये कटिंग हो गई, तो 22, चलो आर 22/√3 डजंट मैटर, अगर तो आर की एग्जैक्ट वैल्यू दी है तो ठीक है, अब आप सर्कमफेरेंस भी निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो, ओके, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन तो हमने एनसीईआरटी में भी एक किया हुआ है, थोड़ा सा मिलता जुलता टेबुलर वाला कुछ, जिसमें इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया यूज करते हैं हम, समझ आ गई बेटा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता बेस चेंज हो जाना था, आर तो सेम ही रहनी थी, बेस विल चेंज, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया के, मैंने वही कॉन्सेप्ट दोनों तरफ है ना, तो वहां कुछ और दिया होता, वहां डायरेक्टली एरिया भी दिया हो सकता था, तो वो एरिया इधर लगाते, इधर तो 3 times नहीं आना था, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या आना था, प्लस करना था, समझ आ गई बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, हाँ जी पूछिए, हाँ जी आई एम डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विच इज, हाँ श्योर बेटा, चलिए लीनियर इक्वेशन में से अब मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ, चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड का फर्स्ट भी सेकंड, ओके थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट दे हैव रिटन, 2 women and 5 men टुगेदर वर्क इन 4 days, ओके एंड व्हाइल 3 women and 6 men जो है दे वर्क इन 3 days, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क, जब भी ये 1 woman का वर्क होता है ना हम ये मान के चलते हैं बेटा, हमने एक काम का निकालना होता है, पूरे काम का टाइम निकालना है, तो टाइम को एक्स वाई लूंगी, इफ आई नीड टू कैलकुलेट कितना टाइम लगता है, मैंने क्या माना कि मेरे पास होंगे एक्स डेज लगते हैं बाय द मैन
या वुमेन ले लो, बाय वुमेन टू कंप्लीट वन वर्क, वन वर्क, तो मुझे बताओ वन डे में कितना काम होगा, वन बाय एक्स। ये समझ नहीं आता कि क्यों वन बाय नहीं आप लोगों, बिकॉज हम पूरे काम को एक मान के चल, एक ही काम होता है ना एट ए टाइम, एक पर्सन एक ही काम कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट राइट दोनों करे तब भी यू कंसिडर ओनली वन वर्क। इसीलिए और सिमिलरली जो है वन डे वर्क बाय मेन दैट इज वन बाय वाई। अब अगर टू वुमेन है तो टू इंटू वन डे का वर्क लगाओगे, टू इंटू वन डे वर्क दैट इज वन बाय एक्स प्लस फाइव इंटू वन बाय वाई। अब यहां फोर नहीं लिखना, वन बाय फोर वन डे वर्क निकालना है ना, अगर पूरे काम को फोर डेज लग रहे हैं, फोर डेज टू कंप्लीट वन वर्क, तो वन डे वर्क चाहिए क्योंकि यहां पर भी तो वन डे वर्क ही हो रहा है, तो दैट इज वन बाय फोर। सिमिलरली थ्री बाय एक्स प्लस सिक्स बाय वाई इक्वल टू वन बाय थ्री, सॉल्व इट फॉर एक्स एंड वाई। बस मैं तो सिंपल अब कह रही हूं कि अगर आपको डेज वाला क्वेश्चन आता है वर्क टूगेदर सेपरेटली निकालना है ना, चुपचाप जितने दिए ना वाई एक्स फाइव वाई, चलो जी टूगेदर वाला उसको वाई, अब वहां इतना सारा कुछ थोड़ा लिखना है, हमने तो सम सॉल्व करना, सीधा कॉन्सेप्ट समझ आ गई, अब आपको क्वेश्चन करना, बस यू हैव टू डू दिस। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा स्पीड वाला क्वेश्चन, ओके एक्सरसाइज 3.6 का थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। तो मेरे पास क्या होगा बेटा, देखिए क्वेश्चन थर्ड पार्ट, हाँ जी, रोनी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय जो है ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, ओके शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स, उसको 4 घंटे लगते हैं, इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अब मुझे नहीं पता रिमेनिंग कितना, हाँ मुझे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था 300 का, तो 300 में से 60 गए, कितने रह गए, ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट केस क्या है, इफ शी ट्रेवल्स 400 बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग 300 में से 100 गए 200 बाय बस, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, ज्यादा 10 मिनट और लगते हैं ज्यादा, यानी 4 आवर्स तो लगने ही लगने प्लस 10 मिनट्स। अब यहां ना यूनिट्स डिफरेंट हो गए बेटा, सबसे बड़ी बात तो यही ध्यान में रखो, इसको भी आवर्स में चेंज कर लो, तो 4 प्लस 10 बाय 60 तो ये 25 बाय 6 हो गए। अब देखो मुझे दोनों का टाइम दिया हुआ, यानी मुझे टाइम को टोटल करना, अब उसने कैलकुलेट क्या करने को कहा, फाइंड द स्पीड बाय ट्रेन एंड स्पीड बाय बस। मैं अगर स्पीड एक्स वाई स्पीड लेट कर ली, डिस्टेंस है, टाइम निकल आएगा ना, क्यों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये लगाना। T1 मेरे पास प्लस T2, T1 प्लस T2 दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम 4 आवर्स। अब पहले में टाइम कितना लगेगा, मैंने आपको बताया डिस्टेंस ओवर स्पीड, यानी 60 बाय एक्स, दूसरे में 240 बाय वाई इज इक्वल टू 4 आवर्स ही लेने हैं, आप मिनट्स में नहीं चेंज कर सकते, क्यों, स्पीड मैंने किलोमीटर पर आवर में ली, स्टैंडर्ड यूनिट्स। ऐसे ही दूसरा बनाओ 100 बाय एक्स 200 बाय वाई That is equal to, मेरे पास क्या है, That is 25 by 6 time, 1 by x को v ले लो, वहां से वो कैलकुलेट कर, बात समझ आ गई बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहां तक, एनी डाउट यू कैन आस्क मी।